हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल ड्रीम 11 डॉक्टर में एक बार फिर से। जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है इंडिया वुमेन का मैच, तो हमने कवर कर लिया। अब होने वाली है सेकंड सेमीफाइनल मैच की, जो अफ्रीका वुमेन और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच। इस मैच में एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ है, तो इसको फटाफट से रिवील करते हैं और आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो जाके फटाफट इंडिया वाले मैच की वीडियो देख लें, इस मैच की बात करते हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नया आया था, वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है ड्रीम 11 डॉक्टर। तो जो ऐसे सर्च करोगे डी, जो हमारे सेम यूट्यूब चैनल का नाम है, नीचे देख लेना DREM11 डॉक्टर DOCTOR। जब इस नाम से सर्च करोगे तो 8500 प्लस सब्सक्राइबर्स, मतलब 8500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। तो उस चैनल को जाके आपको ज्वाइन कर लेना और चैनल में फ़ोटो देख लेनी, फ़ोटो होगी ग्रैंड लीग में रैंक वन। तो फटाफट जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो आते फटाफट बात करते हैं। तो बड़ी न्यूज़ यह है कि एलिस पेरी, सबको पता होगा जो वुमेन क्रिकेट के बारे में नॉलेज रखते हैं, को बाहर हो चुके हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, तो वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। तो बिग न्यूज़ है, तो सब मतलब मोस्ट ऑफ दी जो भी जिनको क्रिकेट वुमेन की नॉलेज है, तो सबकी फेवरेट मेरे ख्याल से होगी वो, वन ऑफ द फेवरेट एलिस पेरी, तो वो बाहर हो गई है। तो एक ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बिग ब्लो है। तो अब देखते हैं कि कल एक नेक टू नेक मैच होने वाला है अगर बड़ी प्लेयर बाहर हुई है तो। या बात करते हैं, आते हैं हम यहाँ पे लीजल ली की बात करते हैं। लीजल ली थोड़ी फॉर्म इन और आउट चल रही है, बस इन्हें थाईलैंड वुमेन के अगेंस्ट थोड़ी एक अच्छी इनिंग खेली थी, उसके अलावा अच्छी टीमों के आगे बिल्कुल फ्लॉप रही है। तो उससे पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई थी इनकी वनडे T20, उसमें भी बिल्कुल फ्लॉप ही रही थी। तो अच्छी खासी फॉर्म में नहीं है लीजल ली अभी, तो थोड़ा दिक्कत है। बात करें त्रिशा चेट्टी की, तो ये आपको सिर्फ कैचिंग और स्टंपिंग का पॉइंट देगी, बैटिंग से इससे एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो आपको कैचिंग और स्टंपिंग के का पॉइंट देगी कि विकेट कीपर यही है, तो आप ये सोच सकते हैं। पहले से पहले कैसे ले जा रहा हूँ क्योंकि विकेट कीपर भी यही है, कैचिंग स्टंपिंग का पॉइंट भी देगी और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रही है। तो इन तीनों में सबसे अच्छी फॉर्म में बैटिंग में ये चल भी रही है अभी थोड़ी, तो हम इसके साथ ही जाएंगे। लीजल ही आउट ऑफ फॉर्म है थोड़ी सी, तो आपको क्रेडिट भी हाई है, तो हम थोड़ा इसको इग्नोर करके जाएंगे। तो अपन वैसे अगर ग्रैंडली में जरूर ट्राई करना क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर है वुमेन की है। यहाँ बात करें बैथ मुनी की, लास्ट मैच में क्या इनिंग खेली, तो इसको मैं जरूर टीम में मिशन, मैंने कहा कि वुमेन की गौतम गंभीर है और मैंने पिछले से ग्रैंड लीग में कैप्टन भी की थी, कारीब काफ़ी अच्छी हमारी रैंक आई थी ग्रैंड लीग में, तो ये काफ़ी अच्छी प्लेयर है। मैंने कहा कि वुमेन की गौतम गंभीर बोले तो ये इसकी बैटिंग स्टाइल लगभग वैसा ही है, और नीचे नीचे शॉट खेलते विकेट नहीं देती और चुपचाप अपना साइड बाई साइड खेल रही होती है और 50-60 रन मार देती, किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ बात करें मैगलैनिंग की, तो मैगलैनिंग की टीम की सबसे बेस्ट बैट्समैन बोलूँ तो वो है वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वुमेन की मैगलैनिंग, एक क्लास बैट्समैन है। इसकी बैटिंग देखोगे अच्छी बैटिंग करती है काफ़ी, और काफ़ी अच्छी बैट्समैन है मैगलैनिंग, इसको मेरी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये अपने बैटिंग ऑर्डर शफल करते रहते हैं, कभी गार्डनर ओपनिंग आती है वो फर्स्ट डाउन आती है, कभी ये फर्स्ट डाउन आती है, अगर ये फर्स्ट डाउन आएगी तो सेकंड डाउन ये आएगी, तो इन दोनों में ही बैटिंग ऑर्डर शफल होता है। तो ओपनर रहने वाले हैं यहाँ से बैथ मुनी और एलिसा हिली, इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ बात करें मैगलैनिंग और ये अपने बैटिंग ऑर्डर शफल करते हैं, और इन दोनों में खास बात ये है कि गार्डनर पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेते हैं 2 से 3 ओवर, तो अपनी टीम में इसको ले जा सकते हो, बैटिंग और बॉलिंग से पॉइंट देती है। और पावर हिटर की बात करें तो ये बहुत अच्छी पावर हिटर, वन ऑफ दी मतलब वुमेन में अगर एक और कोई पावर हिटर जो खड़े खड़े छक्के आराम से मार लेते हैं वो एशले गार्डनर है, बहुत अच्छी हिटिंग करती है। इसके बाद मैं जरूर जाऊंगा एशले गार्डनर के साथ। तो यहाँ बात करें आप मिगरन डुप्रीस को, मिगरन डुप्रीस सेकंड ओवर बैटिंग करने आने वाला ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की टीम से, एक कंप्लीट प्लेयर है और इसका रोल मैं बोलूँ तो वुमेन की एबी डिविलियर्स बोल सकते हैं। उसकी बैटिंग देखोगे तो कुछ कुछ वैसे ही, मतलब इसका रोल वैसा ही एक तरह से, क्योंकि ये थोड़ी उसकी बैटिंग देखोगे तो ऐसे होता है 15 बॉल 20 रन 20 बॉल 25 रन, तो रन बॉल से ज़्यादा खेलती है और रुक के भी नहीं खेलती और तेज तेज खेलती है और विकेट भी नहीं देती, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो एक अच्छी प्लेयर है मिगरन डुप्रीस, इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो मिगरन डुप्रीस को, सेकंड ओवर बैटिंग करने आने वाली है। यहाँ बात करें सी ट्रेन, तो अफ्रीका की टीम की सबसे बेस्ट जो हिटर है खड़े खड़े जो छक्के मार लेते हैं, एक तो लीजे लिया, और दूसरे सबसे पहले नंबर पे बोलूंगा सी ट्रॉयन है। ऐसी प्लेयर है 15 बॉल 20 बॉल 50 रन मार सकती है, ऐसी पावर हिटर है कि कभी भी आकर गेम पलट के दे सकती है हाथ में। दूसरी बात करें पार्ट टाइम बॉलर भी है, 2 से 3 ओवर डालते आपको दिख सकती है चाहे ट्रॉयन, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छी पिक बनती है आपके लिए। अगर अफ्रीका पहले बैटिंग करते हैं तो स्मॉल लीग में चाहो तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, पर बैटिंग ऑर्डर का थोड़ा नीचे हो जाएगा, हिटिंग करने की बारी आई तो इसको प्रमोट कर देती है। अगर टीम को ज़्यादा कम बॉल पर ज़्यादा रन चाहिए और जल्दी से रन बनाने तो इसको जरूर प्रमोट करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी पावर हिटर है। यहाँ बात करें लॉरा वर्ल्डवार्ड की, तो पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी लॉरा वर्ल्डवार्ड ने, तो इसने 50 प्लस रन मारे थे, तो काफ़ी अच्छी प्लेयर है। मैंने कहा था इसको बैटिंग को मैं प्रमोट नहीं करता, इसका बैटिंग ऑर्डर नीचे कर रखा है। पिछले वाले मैच में इसको बैटिंग का मौका मिल गया, इसने 53 रन मारे और काफ़ी अच्छी प्लेयर है। और जब भी इंडिया आई थी अफ्रीका, और ये जो भी जितने भी परमानेंट ओपनर पहले यही रहा करती, डेनवन निकक ने क्या करा कि अपने आपको बैटिंग में T20 में ओपनर प्रमोट कर दिया, तो पहले यही ओपनर आया करती थी लीजल ली के साथ। ये ऐसी प्लेयर है कि ये भी विकेट नहीं देती और काफ़ी अच्छा खेलती है, स्लो स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलती है और रुक रुक के खेलती है और अपने आराम से चुपचाप रन बना रही होती है, तो एक अच्छी प्लेयर है अपनी टीम में ले सकते हैं। बट इसका बैटिंग ऑर्डर थर्ड डाउन है फोर्थ डाउन होगा,
तो उसको मैं इग्नोर करके जाऊंगा स्मॉल लीग में खास करते हैं। यहाँ बात करें एस लूस की, बात करें 2 से 3 ओवर डालते हैं उसको दिख सकती है, और बैटिंग ऑर्डर नीचे है बट एक अच्छी प्लेयर है, बैटिंग ऑर्डर प्रमोट भी कर सकते हैं क्योंकि एक रिसेंट में इसने अभी जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड और अफ्रीका की जो टीम वनडे की सीरीज होती है उसमें लास्ट में जो थर्ड वनडे था उसमें इसने 6 विकेट भी लिए थे, और जो परसों वाला मैच था थाईलैंड में उसमें 3 विकेट भी लिए थे, तो 50 रन भी प्लस इसने मारे थे, तो काफ़ी अच्छी प्लेयर है सुनील लूस को, तो मजाक मत लेना बहुत अच्छी प्लेयर है। यहाँ बात करें लेंस रैचल हेंस का, बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, अगर बैटिंग ऑर्डर का ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल जाए तो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और पॉइंट दे सकते हैं, बट एक बैटिंग ऑर्डर का फिक्स नहीं है तो इसको मैं थोड़ा स्मॉल लीग में इग्नोर करके जाऊंगा, चाहो तो ग्रैंड लीग में लेना चाहो तो रिस्की टीम में ले सकते हो। हमेशा तो क्या मैंने ग्रैंड लीग में 2 तरह की टीम होती है, सेफ ग्रैंड लीग और रिस्की ग्रैंड लीग। सेफ ग्रैंड लीग में क्या होता है कि आप चाहते हो एटलीस्ट आपकी एंट्री फीस वापस आ जाए, और रिस्की ग्रैंड लीग होती है आप चाहते हो एटलीस्ट क्या आप चाहते हो कि बड़ा अमाउंट मिले या फिर आपकी एंट्री फीस वापस, इसमें ज़्यादा रिस्क लेते हो आप, तो आप ऐसे रिस्की ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ बात करें एरन बर्न्स की, तो उसको मैं कहूँगा मौका मिलने वाला है नहीं। यहाँ बात करें डेनवर निकल के, तो मैं इसको कैप्टन करके जाने वाला हूँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ये अभी रिसेंट में ऑलराउंडर में देखा जाए वुमेन की, और मेडिसन है क्या अभी इसके पीछे पीछे, दोनों ही रियल लाइफ में क्या कहते हैं पार्टनर या रियल लाइफ पार्टनर ही हैं, आपको पता हो तो डेनवर निकल और मेडिसन कैप के बारे में, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी होती है। फर्स्ट डाउन एक ओपनर आ रही है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आ रही है, और दोनों ही 4-4 ओवर डालेंगे, और दोनों ही मतलब बेस्ट ऑलराउंडर अपनी टीम के, तो दोनों मतलब इतने परफेक्ट प्लेयर है मैं बता सकता, इसके बिना तो इन दोनों के मिला मैं स्मॉल लीग में जा ही नहीं सकता, इतनी कंप्लीट प्लेयर है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए दोनों के लिए दोनों ही बहुत अच्छी चॉइस है, बट इसलिए प्रेफर करो डेनवर निकल क्योंकि ओपन करने आ रही है। यहाँ बात करें जैस जोनासन, नंबर 1 ऑलराउंडर वुमेन की T20 में, काफ़ी अच्छी प्लेयर है जैस जोनासन, और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेती है। अब एलिसा पेरी चले गए, उसकी बैटिंग ऊपर आ सकती है, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करके दिखा भी सकती है, ऐसी प्लेयर है जो 50-60 रन अपने दम पर आराम से मार सकती है, और 4 ओवर कंप्लीट डालेगी तो 1 से 2 विकेट निकाल जा सकते हैं। आपके लिए ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में दोनों में एक वाइस कैप्टन और कैप्टन की बहुत अच्छी चॉइस बन जाती है, खासकर ग्रैंड लीग में कैप्टन की चॉइस और स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन वगैरह, पर मैं मेडिसन का कैप्रेस किया जाऊंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बैटिंग का पूरा मौका मिलने वाला है डेनवर निकल और मेडिसन का कैप को। यहाँ बात करें नदीना जी क्लब को, मेरे ख्याल से मौका मिलने वाला है नहीं, तो इसको थोड़ा इग्नोर ही करके चलेंगे, तो इतना बड़ा मैच है तो थोड़े वो अपने पर अच्छे प्लेयर ही लेके जाएंगे, वैसे अच्छी प्लेयर है नदीना दिक्लक, बट स्मॉल लीग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, खेलते तो चाहे ट्राई कर लेना। या फिर अलनावेल सदरलैंड, अभी इसने रिसेंट में डेब्यू करा ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो काफ़ी अच्छी प्लेयर है, इसने डोमेस्टिक में अपने इसको फॉलो करोगे तो ऐसी प्लेयर है, एक कंप्लीट ऑलराउंडर है, और ऐसी प्लेयर है अपने दम पे मैच को इधर से उधर करने की कैपेबिलिटी रखती है, बट एक इंटरनेशनल मैच है तो बैटिंग का इतना आपको बैटिंग का परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता, कंप्लीट ना ओवर मिलते, तो एक ऐसी प्लेयर है, चाहो तो रिस्की वाली ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना अगर आप अपनी रिस्की टीम में चाहते हो ग्रैंड लीग में, तो स्मॉल लीग के लिए कोई पिक नहीं है हमारे लिए वो। अब यहाँ बात करते हैं फटाफट, सबसे पहले इस शबनीम इस्माइल की, शबनीम इस्माइल वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ अफ्रीका वुमेन, और ये और मेडिसन ने कैप काफ़ी अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं, तो भी टीम में ले सकते हैं इन दोनों, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। मेगन शूट भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया की, मतलब कहूँगा कि एक काफ़ी कंप्लीट वुमेन की कंप्लीट ऑल फास्ट बॉलर है, इसके पास स्लो रन वेरिएशन वगैरह दैथा बॉलिंग करते हैं, स्टार्टिंग में बॉलिंग करती है शबनीम इस्माइल, सेम इसका काम है। बट मैं अभी जाऊंगा रिसेंट में ऐ बोंगा खाका, जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रही है, 39% सिलेक्शन है, समझ नहीं आ रहा क्यों है, एक अगर आप 5-6 महीने उठा के देखोगे ना तो किसी का रिकॉर्ड उठा के देखो, ऐ बोंगा खाका एक अलग ही लेवल पे परफॉर्मेंस दे रही है अफ्रीका के लिए 7-8 महीने से, और हर मैच में विकेट निकाल के जाती है, भले ही शबनीम इस्माइल का क्रेडिट ज़्यादा है, इसके पॉइंट ज़्यादा दिख रहे हैं, बट जो रिसेंट में जो परफॉर्मेंस दे के जाती है अपनी टीम के लिए, कन्फर्म के कन्फर्म वो है ऐ बोंगा खाका। तो यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ पे बात करते हैं, मैं जो ले लेता हूँ 2-4 प्लेयर के बारे में बताते हैं, तो बॉलर में थोड़ा कंसंट्रेशन करके जाएंगे, तो यहाँ बात करते हैं आते हैं हम, देखो आई मौका का इसको भी ले सकते हैं आप मेगन शूट का, पर मैं इसके साथ ही जाऊँगा मेगन शूट की, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर है मेगन शूट और काफ़ी अच्छे विकेट टेकर प्लेयर है, और मैंने बताया कि वुमेन की सबसे बेस्ट बॉलर है, कई टाइम पर रैंक नंबर 1 पे भी रही है। यहाँ बात करें सॉरी मॉलिनिक्स की, तो मेरे ख्याल से अगर खेलती है तो आप उसको पता नहीं, इसके बारे में ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि ये ऐसी प्लेयर है बैटिंग भी करना जानती है, अगर उसको ओपन भेज देना तो बैथ मुनी की जैसी अच्छी बैटिंग कर सकती है, और बॉलिंग करवा लो 4 ओवर 2-3 विकेट निकाल के दे सकती है, ऐसी प्लेयर है सोफी मॉल्यूनिक्स, काफ़ी कंप्लीट प्लेयर है, मेरे ख्याल से कल मौका मिलता है तो जरूर मिलने खेलना चाहिए, क्योंकि एलिसा पेरी गई तो एनएबल सदरलैंड को मौका मिलेगा या फिर इसको मौका मिलेगा, तो दोनों में से जो भी ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना है, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, रिसेंट डोमेस्टिक अपने फॉलो करोगे तो ओपन करती है टीम से, और प्लस आपको 50-60 रन मार के आराम से देती है, और 3-4 विकेट निकाल के चली आती है, सोफी मॉल्यूनिक्स बड़ा नाम है डोमेस्टिक में देखा जाए तो, इंटरनेशनल में मौका नहीं मिलता वो बात अलग है। यहाँ बात करें जॉर्ज बेयरहम, तो काफ़ी अच्छी विकेट टेकर बॉलर है, पिछले मैच में 3 विकेट भी निकाली, तो एक अच्छी प्लेयर है जॉर्ज बेयरहम, जिसके बाद मैं जरूर जाने वाला हूँ, जॉर्ज बेयरहम के साथ एक स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, एक पिछले 1.5 साल से काफ़ी रेगुलर खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम पर इंटरनेशनल टीम में आ रही है, तो एक कंप्लीट प्लेयर है यहाँ पे ये, तो हमें शबनीम इस्माइल को ले सकते हो अगर क्रेडिट हो तो, बट अब चार ही लेना है तो मैं जाऊंगा एक यहाँ से मेगन शूट हो गई, मेगन शूट को निकाल के मैं शबनीम इस्माइल ले सकते हो, क्रेडिट आपके पास इसके लिए,
खाका है, ये है, ये है, तो ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बॉलिंग में थोड़ा करना, तो यहाँ से आप इसको ऐसा कर सकते हो कि इसका ग्रेड इसका इसके पास ही आपके पास। तो यहाँ बात करें जॉर्ज वेरम, जॉर्ज वेरम मैंने बता दिया। यहाँ पे बात करें मसाबता क्लास की, मसाबता क्लास को खिला नहीं रहे, ना शिखन्नो को खिला रहे, ना शंगेस को खिला रहे हैं, तो ये तीनों को इग्नोर ही करके चलेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे नहीं। मलाबा को बीच बीच में खिला रहे, पर कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी नहीं, रेगुलर खेल रहे थे, 78 पॉइंट दिए, तो मतलब 2-3 विकेट ही लिए होगी, इससे ज़्यादा पूरा टूर्नामेंट भी ली भी नहीं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है मालिक स्मॉल लीग में। स्ट्रैनो की बात करें, स्ट्रैनो एक विकेट टेकर बॉलर, 7% सिलेक्शन, उसको ग्रैंड लीग में जरूर टाइम लगा, लीग के लिए लोग यहीं पे, और इसने डोमेस्टिक में बिग बैश में ये और मैटलिन ब्राउन दो एक ऐसे प्लेयर थे जो अपनी टीम के लिए हमेशा परफॉर्मेंस करके जाती थी, और इसने तो कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, तीन तीन चार चार विकेट कभी भी किसी मैच में निकाल के ले जाती थी मॉली स्ट्रैनो, और पार्ट टाइम अच्छी बैटिंग भी कर लेती है। यहाँ बात करें डेली से केमिन्स को कभी ऑन कभी ऑफ रखते हैं, मैं बता रहा हूँ ना ऑस्ट्रेलिया की टीम में जितने भी आपको बॉलर दिख रहे हैं, ये हो गए केमिन्स हो गई या फिर निकोला कैरी हो गई, निकोला कैरी को तो उन्होंने बॉलिंग पता नहीं क्यों दे रखा है, कंप्लीट ऑलराउंडर है। यहाँ बात करें डेली से केमिन्स एक ऑलराउंडर है, यहाँ बात करें मॉली स्टेनो बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है, यहाँ बात करें आप मॉलिक्स को तो इसको ऑलराउंडर में देना चाहिए, तो एक ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग काफ़ी अच्छी कर, ऐसे प्लेयर हैं तीनों के तीनों जो भी है 50 रन आराम से मार सकते हैं, इतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। पर रिसेंट परफॉर्मेंस देख के जाएंगे तो निकोला कैरी बैटिंग बॉलिंग से परफॉर्मेंस अच्छा करके दे रहे, तो टेम्परेरी टीम हमारी ये होगी, डेली से कमिंस को अपनी गैलिंग में ट्राई कर सकते हैं, और मॉली स्टेनो को जरूर करना। फिलहाल मैं टेम्परेरी टीम होगी, कैप्टन मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं डेनविन निकल को यहाँ बात करूँ वाइस कैप्टन, या काप को कर लेते हैं, जैसे जोनसन कर लो, मैं जाऊँगा ऑलराउंडर के साथ ही, तो मैं जा रहा हूँ काप और इसके साथ चले आते हैं दोनों ही, आप इसको कर सकते हो, पर बैटिंग ऑर्डर नीचे इसका बस यही फैक्टर है अलग, और कुछ नहीं है बाकी सब कुछ सही है। यहाँ बात करें आप एलिसा हिली को वाइस कैप्टन कर सकते हो, कैप्टन सही करना स्मॉल लीग में, वाइस कैप्टन आप चाहे तो इसको कर लेना, 1, 2, 3, 4, तो ये चार ऑप्शन आपके वाइस कैप्टन के लिए स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में तो आपके पास कैप्टन के लिए ये चॉइस है, ये चॉइस है, तो कैप्टन वगैरह के लिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 5, तो ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे मैग लैनिंग को ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। तो हमारी फिलहाल स्मॉल लीग की टीम ये होगी, ग्रैंड लीग की टीम आपको आफ्टर टॉस मिल जाएगी टेलीग्राम पे, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो ड्रीम 11 डॉक्टर, जो हमारे से यूट्यूब चैनल का नेम है, 8500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, 8500 से ज़्यादा, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं, और फिर मतलब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, और फिर ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो का, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।